पढ़ रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर बूथ नंबर 116 पर ईवीएम खराब हो गई है। लगभग एक घंटे से मतदान यहां पर रुका हुआ है, मशीन को ठीक करने का प्रयास जारी है। बूथ 116 पर ईवीएम मशीन हुई है खराब। तो मशीन को ठीक करने की कोशिश जारी है। तो कुल मिलाकर 100 अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि ऐसी खबरें सामने आई जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई। कुछ जगहों पर फर्जी तरीके से मतदान कराने के भी आरोप लगे। तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के रिपोर्टर हैं, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और जो बड़े चेहरे हैं आज के चुनावी मैदान के, वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते बताते हैं आपको, यूपी में अब तक 38.12% का मतदान हो चुका है। सबसे कम बरेली में मतदान हुआ है, 34.93% था। सबसे ज्यादा संभल में 42.97% का मतदान हुआ है। हाथरस में 37.73% का मतदान हुआ है। आगरा में 36.89% का मतदान हुआ है। फतेहपुर सीकरी में भी 39.09% मतदान हुआ है। फिरोजाबाद में 40.06% मतदान हुआ। मैनपुरी में 38.32% मतदान। एटा में 39.87% का मतदान। बदायूं में 34.97% का मतदान। आंवला में 36.95% मतदान हुआ। आगरा से परवेज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। आंवला से हैं दरअसल परवेज हमारे साथ जुड़े हुए, फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आंवला आपको लिए चलते हैं। परवेज, क्या कहता है 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत, और किस तरह का उत्साह मतदाताओं में सुबह से देखने को मिला, क्योंकि अब तो दोपहर हो गई है, दोपहर में थोड़ा धीमा ही रहता है मतदान की प्रक्रिया जो है, और बहुत कम संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन सुबह से आपने किस तरह की हलचल देखी परवेज? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आंवला लोकसभा सीट के ऊपर खड़ा हूं। ये बदायूं और बरेली को काटकर बनी है, जिसमें से दो बदायूं में ये विधानसभा सीटें बरेली में आती हैं। ये कुल मिला के बदायूं और बरेली के बीच का हिस्सा है जो आंवला लोकसभा सीट कहलाती है। यहां पर अभी तक के जो 1 बजे का परसेंटेज है वो 36.81 आ चुका है। सुबह से पोलिंग चल रही है, लगातार लोगों का आवाज आ ही है, आना जाना लगा है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कुछ जगह जरूर ईवीएम खराबी की बात आई थी, वो भी चंद मिनटों में जिला प्रशासन द्वारा सही करा ली गई। फिलहाल शांतिपूर्वक मतदान है, धूप इस टाइम हो चुकी है, कुछ लोग घरों से अभी नहीं निकले हैं। फिलहाल 1 घंटे बाद लगभग 3 से 4 बजे के बीच फिर लोगों का घर से निकलना चालू होगा, क्योंकि मतदान 6 बजे शाम तक है, धूप का समय है, इसलिए लोग अपने अपने घरों पे हैं और धीरे धीरे लोग मतदान करने के लिए फिलहाल निकल रहे हैं, मगर लगातार मतदान हो रहा है शांतिपूर्वक। ठीक है परवेज, लौटेंगे आपके पास, जल्दी से चलते हैं देवेंद्र चौहान के पास, फिरोजाबाद से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, किस तरह का मतदान आपको अब तक का नजर आया है? आधा दिन बीत चुका है, अब देखिए 1 से 4 बजे तक का समय जो बताया जाता है उसमें वोटिंग परसेंटेज जाहिर तौर पर घटता है, क्योंकि गर्मी प्रचंड है और ऐसी गर्मी में थोड़ा सा वोट देने के लिए जो लोग निकलते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। इसके बाद ही 4 बजे के बाद ही वोटर जो है अपने घरों से निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं, कैसा माहौल बना हुआ है देवेंद्र? बिल्कुल, जिस तरीके से 41 डिग्री टेम्परेचर है और कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो काफ़ी है, लेकिन फिर भी मतदाता निकल रहा है। जैसे सुबह जो वोटर परसेंटेज था उसके बाद में थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन फिर धीमे धीमे ऐसा लग रहा है कि शाम तक वोटर परसेंटेज अच्छा होगा, लोग घरों से निकल रहे हैं। और हालांकि छुटपुट अगर बात की जाए तो अभी 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी मतदान कर रहे थे, और उसके अलावा जो बात की जाए कहीं छुटपुट थोड़ी बहुत जानकारी आ रही है, उसके अलावा जो प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है, पुलिस तरह लगी हुई है, जिस जगह सूचना आती है मौके पर जा रही है, तो कई विवाद तत्काल पहुंचने पर भी खत्म हो रहे हैं। और साथ ही अगर उस पोलिंग उसकी बात की जाए, लोग हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है कि इस बार क्या मुद्दा खास रहा होगा जिसमें लोग मतदान करेंगे? क्या मुद्दा होगा? महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हैं, उस वजह से वोट डाला ही गए।
अच्छा, लेकिन 40% मतदान हो गया 1 बजे तक, ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि अभी शाम तक और बढ़े जाएगा? 60% करीब जाएगा, 60% 20% और बढ़ेगा ही। बिल्कुल, अभी लगभग 20% ये बता रहे हैं, हालांकि उम्मीद है कि 60% यहाँ मतदान फिरोजाबाद में होना चाहिए। और जिस हिसाब से लोग निकल रहे हैं 41 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी लोग घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि वोट ऑफ परसेंटेज अच्छी होगी। और जी ठीक है, आप बने रहिएगा देवेंद्र हमारे साथ लगा